औद्योगिक बुनकर नगरी टांडा के चौक घंटाघर के पास स्थित पुलिस चौकी बूथ के सामने पुलवामा में कल आतंकवादी हमले में शहीद हुए वीर जवानों को सभी धर्म समुदाय के लोगों ने मिलकर नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के बीच पाकिस्तान का झंडा जलाकर आक्रोश प्रकट किया गया। सिख पंथ के ज्ञानी द्वारा अरदास का पाठ, मौलाना अंजुम कमर नक्शबंदी द्वारा दुआ खुआनी व पंडित राकेश मिश्रा द्वारा शांति पाठ किया गया। शोक सभा में मुख्य रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष कपिल देव वर्मा, सांसद प्रतिनिधि राम सूरत मौर्या, पंख संस्था अध्यक्ष अंशु बग्गा, हेल्थ पॉइंट एनजीओ अध्यक्ष आलम खान, वरिष्ठ लेखक व अधिवक्ता अजय प्रताप श्रीवास्तव, भाजपा नगर अध्यक्ष रमेश गुप्ता, कोतवाली निरीक्षक रामलखन पटेल, अलीगढ़ थाना अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार राय, नीरज श्रीवास्तव, सरदार करतार सिंह, मोहम्मद अकमल, काशिफ अंसारी आदि ने श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे प्रधानमंत्री गृह मंत्री द्वारा आज क्षेत्र को वहाँ दौड़ा हुआ है और जो भी निर्णय आएगा हम लोग करारा जवाब देने के लिए हमारी सरकार और पूरा देश सब लोग देश के साथ खड़े हैं लड़ाई लड़ने के लिए। नहीं हुए हैं एक जगह एक बस में बैठ के उनको प्री प्लांट मर्डर किया गया है। सियासी मर्डर है ये उनकी शहादत जो है ये सियासी मर्डर है। सरकारों से हम लोग आह्वान करते हैं कि ऐसे सियासी मर्डर ना हो, सैनिकों की शहादत पे राजनीति ना हो, सैनिकों को खुला ऑर्डर दिया जाए और सैनिकों को उतना बल दिया जाए कि वो अपनी आत्मरक्षा खुद कर सके। बिल्कुल बिल्कुल सरकार को चाहिए, अब जितना दबाव सरकार के ऊपर आ चुका है कि अब सरकार को बिल्कुल चाहिए कि 56 इंच का सीना वाकई सरकार दिखाए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ कार्रवाई करे पाकिस्तान पर। पाकिस्तान ने जो ये घृणित कार्य किया है ये जितनी इसकी भत्सना की जाए वो कम है। चेहरा सामने आ जा रहा है कि उसमें दम नहीं है। हम फौलादी पीने वाले, हम अंगारे पीने वाले, सोड़ित का तिलक लगाते हैं आज़ादी से जीने वाले। हम सबको अमन चैन से रहने की बात करते हैं लेकिन जब हमारे साथ कोई किसी प्रकार का अभद्रतापूर्ण व्यवहार करता है तो हम उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार खड़े होते हैं। निश्चित तौर पर हमारी सरकार और हमारे भारतवर्ष के लोग पाकिस्तान के इस घृणित कार्य का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आगामी दिनों में आपको दिखाई पड़ेगा कि हम इसके लिए खड़े हैं। सरकार को इसके खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ सैनिक बिल्कुल निर्णय कर रहे हैं। मोदी जी ने आज कहा है कि हम जो है पाकिस्तान ने ये जो काम किया है हम इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई और शीघ्र कार्रवाई करेंगे।